स्टूडेंट्स, आज हम पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो हमारा सोशल साइंस है उसका क्षेत्र बहुत अधिक विशाल है। वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र और हर जीवन के हर पहलू से संबंधित है, इसीलिए उसका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा विशाल है। वो मानव जीवन के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी प्रकार के पहलुओं से संबंधित है और उसका क्षेत्र इस वजह से बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। जीवन का क्षेत्र संबंधित है और हर क्षेत्र से संबंधित जो है वो मनुष्य को ज्ञान देता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि सोशल साइंस जो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसको हम जो है क्लासेस में पढ़ाते हैं और क्या जरूरत है हम इसको पढ़ने की। तो आज इसके महत्व को समझ बेस्ड ऑन कल्चर, जो हमारा सोशल साइंस है वो बेस्ड ऑन कल्चर है, संस्कृति के ऊपर आधारित है। सोशल साइंस हमें जो है हमारी संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जानकारी देती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश विशाल देश है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ हमारे देश में जो है कई तरह के धर्म, जाति और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान, वस्त्रभूषा जो है अलग अलग तरह की है और अलग अलग जो के आचार विचार हैं। इस तरह से विभिन्न संस्कृतियों का हमारे देश में जो है कल्चर पाया जाता है, जिन्हें समझना मुश्किल है, पर हमारा जो सोशल साइंस है इन संस्कृति को समझना हमारे लिए बहुत आसान कर देता है। बहुत आसान तरीके से हमें वो हमारी संस्कृति के बारे में बताता है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न तरह के कौन कौन से धर्म हैं, भिन्न भिन्न तरह की कौन कौन सी संस्कृति है, किस तरह के रहन सहन है और किस तरह से सभी धर्म है जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर प्यार और सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सोशल साइंस है वो हमारे जो है संस्कृति पर आधारित है, संस्कृति की हमें पूरी तरह से जानकारी देता है, इसीलिए हमारा जो सोशल साइंस है उसका बहुत अधिक महत्व है। अगर सोशल साइंस हमें पढ़ेंगे तो हमें अपनी संस्कृति की पूरी जानकारी मिलेगी और भविष्य में जाकर हम अपने संतान को भी और उसकी जो है सही जानकारी आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का विकास। हमारा जो सोशल साइंस है वो मानव में नैतिकता का विकास करता है, नैतिकता की भावना जगाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा देश विशाल देश है, यहाँ पर तरह तरह के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जो विभिन्न जातियों से संबंधित हैं। विभिन्न धर्मों के लोग होते हुए भी यहाँ पर एक दूसरे के धर्म में नैतिकता की सभी धर्म में लोगों को नैतिकता का पाठ कराते हैं। सभी धर्म बताते हैं कि हमें दूसरे लोगों के साथ नैतिकता की भावना अपनानी चाहिए और उन्हें भी जो है अपने धर्म के समान ही समझना चाहिए। कोई छोटा या बड़ा धर्म नहीं होता, बड़े लोगों से प्यार जो है हमें आदर के साथ बात करनी चाहिए और छोटे लोगों से हमें जो है प्यार के साथ बात करनी चाहिए, किसी से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो सोशल साइंस है हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, नैतिकता का मानव में विकास करता है और बताता है कि कोई भी जाति धर्म जो बड़ा या छोटा नहीं है, सभी बराबर है, सभी धर्म है। मानवता जो है वो सबसे बड़ी है, मानवता के आधार पर सभी कुछ छोटा है और मानवता सबसे ऊपर है। मानवता के आधार पर नैतिकता का विकास जो है मानव के अंदर होता है और जो है सबसे ऊपर जो है हमारा मानवता ही है। उसके बाद है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। सोशल साइंस है जो मानव में बौद्धिकता का विकास करती है, मानव के जो बौद्धिक स्तर है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा जो सोशल साइंस है वो मानव को ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और उसके जो है विभिन्न तरह की गतिविधियों की जानकारी है जो मानव को देती है कि किस तरह से जो है वो सोसाइटी में रहता है या उसका रहन सहन है। तो जो उसका बौद्धिक स्तर है उसे ये बताता है कि केवल उसका धर्म ही जो है सबसे अच्छा नहीं है, विश्व के और भी धर्म हैं जिनमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं और हो सकता है कि विश्व के अन्य लोगों का धर्म हमारे धर्म से ज़्यादा बेहतर हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मानसिक स्तर है, हमारा जो बौद्धिक लेवल है वो दूसरे धर्मों जातियों के बारे में जो है उच्च हो जाता है। हम दूसरे धर्मों और जातियों के लोगों को भी अपने बराबर समझते हैं, ना कि उन्हें छोटा समझते हैं। सिर्फ अपने धर्म और जाति की नहीं बात करते बल्कि विश्व की जाति और विश्व के धर्म की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि सभी धर्म बराबर है और सभी जातियाँ बराबर हैं। इस तरीके से हमारा जो है बौद्धिक स्तर ऊपर की ओर बढ़ता है, जो हमारे सोशल साइंस के द्वारा ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस को हमारे लिए पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा इंक्रीज नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि। सोशल साइंस जो है मानव को तरह तरह के ज्ञान का पाठ पढ़ाती है और उसके ज्ञान में वृद्धि करती है। यह बताती है कि उसके समाज, उसके देश,
और उसके जो है विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी घटना हो रही है और किस तरह की घटना हो रही है, उसकी सोसाइटी में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके देश में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, या विश्व में कौन कौन सी जो है किसी भी प्रकार की घटना हो रही है, इससे जो मानव की नॉलेज बढ़ती है और वह यह खुद सोचने पर विवश हो जाता है, जिससे उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है और विचार शक्ति बढ़ती है और वो सोचने लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी अपने देश की समस्या को किस प्रकार हल कर सकता हूँ या उसमें जो है किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता हूँ ताकि हमारे समाज की या हमारे देश की कोई भी समस्या है जो हल हो सके। तो ये था हमारा इंक्रीज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट विद अदर कल्चर। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारा जो सोशल साइंस है वो बेस्ड ऑन कल्चर संस्कृति पर आधारित है, या जो सोशल साइंस है उसका जो स्तर है वो सांस्कृतिक है। हमें अपने देश की और अपने समाज के बारे में विभिन्न प्रकार की संस्कृति की जानकारी हमें सोशल साइंस द्वारा मिलती है। जब हमें जो है हमारी संस्कृति के साथ साथ दूसरे धर्मों और दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है तो हम इन दोनों के बारे में जो है अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी जाति संस्कृति बेहतर है, किस संस्कृति में कौन सी कमी है। अगर हमारे संस्कृति में कोई कमी है या फिर किसी दूसरी संस्कृति में कोई अच्छाई है तो हम उनकी संस्कृति की अच्छाई को अपनाकर अपनी संस्कृति की किसी भी कमी को पूरा कर सकते हैं, दूसरी संस्कृतियों को अच्छाइयों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, अपने सामाजिक जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी और ज्यादा अधिक सुंदर बना सकते हैं और उससे कमी रहित बना सकते हैं, जो कि भविष्य में जाकर हमारी संस्कृति आगे जाकर विकास करेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोशल साइंस है वो हमारी संस्कृति को दूसरी संस्कृति के साथ भी कनेक्ट करता है, यानी एक व्यक्ति की संस्कृति को दूसरे व्यक्ति की, एक धर्म की संस्कृति को दूसरे धर्म की और एक देश की संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसके बाद है हमारा फोर मेंटल सेटिस्फेक्शन। मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा जो सोशल साइंस है ये मानव को मानसिक तौर पर है जो सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है, मानसिक तौर पर है जो उसे पूरी तरह से संतुष्ट करता है, क्योंकि हमारा जो सोशल साइंस है ये मानव को पूरी तरह से सामाजिक जानकारी देता है। और जैसा कि आपको पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और एक जिज्ञासु प्राणी है, उसे अपने समाज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान लेने की जरूरत महसूस होती है और वो जानना चाहता है कि मेरे सोसाइटी में ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, उसे ज्यादा ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है। तो उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए हमें सोशल साइंस की जरूरत पड़ती है। हमारा सोशल साइंस उसकी जिज्ञासा को पूरा कर सकता है और उसके ज्ञान को पूरे तरीके से विकसित करता है, उसे बता सकता है कि हमारी सोसाइटी में कब क्यों क्या और कैसे घटित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो मानसिक संतुष्टि है उसको जो है हमारा सोशल साइंस पूरा करता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा टू नो अबाउट नेचुरल लॉस। जो हमारा सोशल साइंस है ये हमें प्राकृतिक लॉस के बारे में बताता है, प्राकृतिक नियमों के बारे में बताता है। हमारा देश एक विशाल देश है और यहाँ पर जलवायु भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। कहीं पर यहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है तो कहीं पर यहाँ पर गर्मी होती है, कहीं पर यहाँ पर सर्दी होती है तो कहीं पर यहाँ पर सामान्य मौसम होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो है विभिन्न प्रकार का जलवायु पाई जाती है और उसे समझने के लिए हमें सोशल साइंस की जरूरत होती है। हमें समझना की जरूरत है कि प्राकृतिक नियम क्या होते हैं, किस प्रकार हम अपने देश की जलवायु को जो है सही तरीके से कायम रख सकते हैं, अपने जो है प्राकृतिक नियमों को समझकर और उन्हें जीवन में अपनाकर कैसे हम अपने जो है पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं, कैसे हम जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं और कैसे अन्य जो ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे हम जो है कैसे कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सोशल साइंस है वो हमें नेचुरल लॉस के बारे में बताते हैं, प्राकृतिक नियमों के बारे में बताते हैं कि प्राकृतिक नियमों को पढ़ने की और ज्ञात करने की हमें क्यों जरूरत है, ताकि हम जो है प्राकृतिक नियमों को जानकर अपने जो है आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। तो छात्रों आज के लिए बस इतना ही।